हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल गुरु में। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने ड्यूल स्टार्टर जो है उसकी कंट्रोल वायरिंग जो है उसको कैसे करेंगे उसके बारे में एक वीडियो बनाया था। आज हम देखेंगे कि जो हमारी मोटर है उसका लोकल और रिमोट कंट्रोल हम कैसे करेंगे, मतलब एक ही मोटर को हम लोग दो अलग अलग जगह से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए मैंने ये वीडियो खास बनाया है। तो दोस्तों, उसके लिए यहाँ पे ये हमारा ड्यूल स्टार्टर है जिसकी पूरी वायरिंग के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने एक वीडियो बनाया हुआ है। उसके बाद दोस्तों हमें चाहिए होगा यहाँ पे ऑक्सिलरी पे एक NONC कॉन्टैक्ट, यहाँ पे मैंने ये स्मॉल स्टार्टर लिया है जिसके अंदर आपको मैं दिखाता हूँ पीछे कि यहाँ पे ये दो स्विच दी हुई है, ये स्टॉप पुश बटन है और ये स्टार्ट पुश बटन है, जिसमें ये स्टॉप पुश बटन है इसको हम NC बोलते हैं और जो ये स्टार्ट पुश बटन है इसको हम NO बोलते हैं, मतलब नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। तो दोस्तों, इसका पूरा कनेक्शन कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में अभी तक नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाजू में जो बेल आइकॉन का बटन दिया है उसे दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसकी वायरिंग का पूरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले इसका वायरिंग डायग्राम चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसका वायरिंग डायग्राम कुछ इस तरह से है। यह है हमारा सिंपल ड्यूल स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग। तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो फेज है वो MCB से होकर हमारी ओवरलोड रिले है उसकी NC के कॉन्टैक्ट में जाएगा, वहाँ से निकल के हमारा स्टॉप पुश बटन है, मतलब जो हमारी NC है उसमें होकर यहाँ पे हमारा स्टार्ट पुश बटन है उसमें जाएगा। उसके बाद दोस्तों, उसी के पैरेलल में हम लोगों ने ऑक्सिलरी NO कॉन्टैक्ट लगाया हुआ होगा, मतलब इसके पैरेलल में जो NO लगाया है उसको होल्डिंग करने के लिए है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे जो सिरा निकलेगा वो सीधा जाएगा हमारी NVC कोयल के A1 के सिरे में। उसके बाद जो A2 है वो रिटर्न निकलेगा, वो जाएगा हमारा न्यूट्रल में, मतलब ये दो फेज या तो फेज और न्यूट्रल के बीच की पूरी कंट्रोल वायरिंग है जो नॉर्मल ड्यूल स्टार्टर की होती है दोस्तों। अब इसमें मैंने क्या किया है कि इसको हमें दो अलग अलग जगह से कंट्रोल करना है, इसके लिए हमें अलग से दो NO और NC कॉन्टेक्ट चाहिए होंगे। तो दोस्तों, ये जो है हमारा ये रिमोट कंट्रोल होगा, मतलब जो हमारी मोटर है वो थोड़ी दूर होगी और कुछ अलग जगह से हमें मोटर को कंट्रोल करना होगा, तो हम दूसरी जगह से ये दो बटन की मदद से हमारी जो मोटर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये होगा हमारा रिमोट कंट्रोल। और ये वाला जो स्टार्टर है दोस्तों, उसका ये दो NONC कॉन्टैक्ट है वो होंगे हमारे रिमोट कंट्रोल, सॉरी लोकल कंट्रोल, मतलब हमें दो अलग अलग लोकल और रिमोट दोनों जगह से मोटर को कंट्रोल करना है। तो उसकी पूरी वायरिंग यहाँ पे इस तरह से दी हुई है। उसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे जो ये फेज वाला सिरा है वो जाएगा MCB में, MCB के बाद वो जाएगा हमारी ओवरलोड रिले की NC में, मतलब जो आगे था उसी तरह से सेम। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने दो पुश बटन लिए है, एक स्टॉप पुश बटन जो है वो लोकल का होगा और दूसरा जो स्टॉप पुश बटन है वो रिमोट का होगा, और दोनों के दोनों जो है वो सीरीज में लगाए जाएंगे, मतलब जो हमारी NC है NC कॉन्टैक्ट दोनों है एक दूसरे के सीरीज में आएंगे। उसके बाद दोस्तों, ये जो स्टार्ट पुश बटन है हमारा, मतलब ये नॉर्मली ओपन वाला कॉन्टैक्ट है वो होगा लोकल का, उसी के पैरेलल में हम लोगों ने जो ऑक्सिलरी NO लगाया था वो होगा। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो हमारा रिमोट स्टार्टर होगा उसका जो स्टार्टर का NO कॉन्टैक्ट होगा वो यहाँ पे इसकी पैरेलल में लगेगा, मतलब इन शॉर्ट आपको बताऊँ तो यहाँ पे हमारे पास टोटल चार टर्मिनल होंगे, दो NO के और दो NC के, मतलब यहाँ पे ये जो NONC कॉन्टैक्ट होंगे वो लोकल के होंगे और ये जो NONC कॉन्टैक्ट है वो हमारे रिमोट कंट्रोल के होंगे। तो मैंने क्या किया है दोस्तों कि जो हमारा फेज निकलेगा वो सीधा जाएगा पहले हमारे नॉर्मली ओपन वाले सिरे में, उसके बाद वहीं से निकल के जाएगा सीधा हमारे रिमोट वाले NO के सिरे में। उसके बाद जो ये हमारा रिमोट कंट्रोल है उसकी NO में से निकलेगा जो सिरा वो NC के सीरीज में होगा, मतलब हमारा NO जो है वो NC के सीरीज में लगेगा। उसके बाद NC में से जो रिमोट कंट्रोल का जो सिरा निकलेगा वो सीधा जाएगा हमारे लोकल के NC के पहले सिरे में, और यहाँ से जो वायर रिटर्न होगा वो जाएगा सीधा हमारी कॉइल में। तो दोस्तों, इसके बीच हम लोगों ने क्या किया है कि जो ये हमारे NO कॉन्टैक्ट है वो इस एक दूसरे के पैरेलल में लगाए हैं, और ये जो हमारी दो NC है उसको मैंने यहाँ पे पूरी इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ से फेज आएगा और यहाँ से होके सीधा इस तरह से लोकल में से निकल जाएगा, मतलब ये जो दो हमारी NC है इन दोनों को मैंने सीरीज में लगाया है। तो उसका प्रैक्टिकल पूरा करके देखते हैं दोस्तों कि उसका कंट्रोल वायरिंग कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको
ये जो हमारा स्टार्टर है उसके अंदर दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो दो सिरे है वो नॉर्मली ओपन मतलब एनओ कॉन्टैक्ट के सिरे है और ये जो दो है वो हमारे एनसी कॉन्टैक्ट के सिरे है। इन दोनों के बीच यहाँ पे एक लिंक लगी हुई है जो होगी हमारे एनओ में से निकल के एनसी में जाएगी। और ये जो वाला सिरा है हमारा वो रिले वाला सिरा है जो रिले की एनसी है उसका लिंक दिया हुआ है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके जो डायग्राम है उसके हिसाब से हमें इसका कंट्रोल डायग्राम जो है उसके हिसाब से इसका कनेक्शन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ये वाला डायग्राम है जो उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है कि जो हमारा रिमोट कंट्रोल है यहाँ पे ये वाला उसके रिमोट कंट्रोल के दो सिरे हैं एक एनसी और एक एनओ। तो हमें क्या करना होगा दोस्तों कि सबसे पहले इन दोनों के बीच हमें लिंक लगानी होगी ये वाली मतलब एनओ और एनसी जो दो कॉन्टैक्ट निकलेंगे उसके बीच एक लिंक लगानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें इसे उल्टा करना पड़ेगा। आपको मैं एकदम नज़दीक से दिखाने की ट्राई करता हूँ दोस्तों कि ये जो कॉन्टैक्ट है उसके ऊपर हमें ऑलरेडी लिखे हुए देते हैं कि ये जो दो कॉन्टैक्ट है वो हमारे एनसी के कॉन्टैक्ट है और जो ऊपर लगे हैं वो हमारे नॉर्मली ओपन के दो सिरे है। मतलब ये बटन जो है उसके दोनों तरह से हम यूज़ कर सकते हैं मतलब रेड है उसको भी हम एनओ और एनसी दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं और ये जो ग्रीन है उसको भी हम एनओ एनसी दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि जो ग्रीन कलर का बटन है स्टार्ट पुश बटन उसको हम नॉर्मली ओपन की तरह से यूज़ करेंगे। मतलब आपको मैं दिखाता हूँ कि ये जो ग्रीन कलर का सिरा है मतलब ग्रीन कलर का पुश बटन है उसके हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे नॉर्मली ओपन के ये दो सिरे है उसी का यूज़ करना है। और सेम उसी तरह से यहाँ पे हमारा जो स्टॉप पुश बटन है उसके हमें सिर्फ एनसी वाले मतलब ये जो दो सिरे है उसी का यूज़ करना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं क्या करूँगा कि इस डायग्राम में जैसे दिखाया गया है हमें कि ये जो एनओ के दो कॉन्टैक्ट है और एनसी के है उन दोनों के बीच एक लिंक लगी हुई है यहाँ पे उसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करूँगा कि ये जो एनसी है और एनओ है इन दोनों के बीच यहाँ पे मैं एक लिंक वायर लगा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिंक लगा दी है तो आप देख सकते हैं कि जो ये हमारा नॉर्मली ओपन वाला सिरा है यहाँ पे उसमें से एक वायर निकलता है वो जाएगा हमारे नॉर्मली क्लोज वाले सिरे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में कि ये वाला जो सिरा हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एनसी है उसी में से एक सिरा निकलेगा मतलब ये ब्लू कलर का वायर। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक ये वाला वायर जो है उसको निकाल लिया है जो एनसी में से निकलेगा इसी वाले पोर्ट में से मतलब। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो हमारा नॉर्मली ओपन वाला सिरा है उसमें से एक वायर निकलना है और उसी तरह से एनसी में से एक वायर निकलना मतलब टोटल तीन वायर निकलेंगे एक एनओ में से जाएगा और एक एनसी में से और दूसरा बीच में से। तो यहाँ पे मैं इस दोनों को वायर को भी लगा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टोटल तीन वायर निकाले हैं एक जो है हमारा वो नॉर्मली ओपन वाला सिरा है यहाँ पे ग्रीन कलर का उसमें से ये वाला रेड वाला वायर निकला जो यहाँ पे डायग्राम में ऑलरेडी हमें दिखाया गया है ये वाला वायर। दूसरा जो बीच में से निकलेगा वो होगा हमारा ब्लू कलर का वायर मतलब ये वाला एनओ में से जो निकलेगा वो वाला वायर। और लास्ट में जो दूसरा तीसरा बचा है वो होगा हमारा एनसी का लास्ट वाला ये वाला। तो यहाँ पे ये वाला जो वायर है दोस्तों ये ब्लैक कलर का मैंने लिया हुआ है आप देख सकते हैं इस तरह से। तो ये टोटल तीन वायर हमें इस तरह से एनओ एनसी कॉन्टैक्ट में से निकालने पड़ेंगे। अब इसको कनेक्ट क्या कहाँ से करेंगे मतलब तो उसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों जो ये हमारा स्टार्टर है उसको लेना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दो पॉइंट है हमारे वो नॉर्मली ओपन के सिरे हैं यहाँ पे जो दिए हैं वो ऊपर वाले ये दो और ये जो दो है वो एनसी के सिरे मतलब ये वाले। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये जो तीन वायर निकलते हैं उसमें से एक जो ये वाला वायर निकलेगा रिमोट के एनओ में से वो सीधा जाएगा हमारे यहाँ पे ये वाले टर्मिनल में। तो इसको मैं पहले कनेक्ट कर देता हूँ आपको उसके बाद दिखाता हूँ कनेक्शन करके। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो टर्मिनल है पहला रेड कलर का उसको मैंने यहाँ पे पहले वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर लिया है। अब हमें क्या करना होगा कि ये जो दो एनओ के कॉन्टैक्ट और एनसी के कॉन्टैक्ट है उसके बीच यहाँ पे एक लिंक वायर लगा हुआ है उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उस लिंक को मैं रिमूव कर देता हूं।
तो दोस्तों ये जो लिंक वायर है उसको मैं निकाल देता हूँ। तो दोस्तों ये जो रेड वायर है उसको मैंने पहले वाले सिरे में लगा दिया है। अब ये जो ब्लू कलर का वायर है उसको मैं ये दूसरे वाले सिरे में लगाऊंगा। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ये जो दूसरा वाला सिरा है उसी में से यहाँ पे हमारी जो रिले है उसकी एनसी का वायर जाएगा, तो वो निकल ना जाए, उसका ध्यान रखते हुए मैं इसका भी कनेक्शन यहाँ पर करना है। तो उसको मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा ब्लू वाला वायर यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, मतलब ये जो पहला सिरा है वो रेड कलर का है वो यहाँ पे पहले वाले बटन में, और ये जो ब्लू कलर का वायर है वो दूसरे वाले सिरे में। अब हमारा जो ये तीसरा वायर बचा है जो हम लोगों ने एनसी में से निकाला था, रिमोट के एनसी में से, वो जाएगा सीधा यहाँ पे तीसरे वाले टर्मिनल में। तो दोस्तों ये हो गया है, ये तीनों टर्मिनल को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, आप देख सकते हैं इस तरह से। अब हम क्या करेंगे कि इसको जो टेस्टिंग है उसको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ये जो स्टार्टर है यहाँ पे जो दो फेज के बीच हमने वायरिंग की है वहाँ पे मैं सप्लाई दे देता हूँ। तो दोस्तों अब इसकी टेस्टिंग की बारी है। तो यहाँ पे मैंने इन दो फेज के बीच यहाँ पे सिंगल फेज सप्लाई दे दिया है, तो इसकी कंट्रोल वायरिंग पूरी हो चुकी है, देखते हैं काम करता है कि नहीं। तो यहाँ पे स्विच चालू करेंगे दोस्तों, ये जो है हमारा स्टार्ट पुश बटन है, यहाँ पे इसको स्टार्ट करके देखते हैं चालू होता है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टार्ट हो गया है, यहाँ से बंद करेंगे, यहाँ से बंद भी हो गया। अब ये रिमोट वाले कंट्रोल से देखते हैं स्टार्ट होता है कि नहीं। तो यहाँ से मैंने ग्रीन कलर से मैं स्टार्ट कर लिया, यहाँ पर स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ से बंद होता है। फिर से यहाँ पे मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और रिमोट से मैं बंद करने की ट्राई करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये वर्क कर रहा है दोस्तों। उसके बाद उल्टा यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और यहाँ से बंद करने की ट्राई करता हूँ। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा DOL स्टार्टर को रिमोट कंट्रोल करने का तरीका। तो आशा करता हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।